आइए आज हम लोग नई पंक्ति पढ़ते हैं जो कि रसखान जी के द्वारा लिखी गई है। और रसखान जी कौन थे इनके विषय में भी, तो यह जो है रसखान जी की बहुत ही सुंदर पंक्ति है। रसखान जी के विषय में पहले हम लोग जानेंगे। रसखान जी एक बहुत अच्छे भक्त हुए थे। इनका जन्म सन 1548 में हुआ था माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा इन्होंने ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1662 में के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो इनके कुछ रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और काव्य के कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण प्रेम लीलाओं का और मनोहर इनका वर्णन जो है मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी हैं। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। तो इस प्रकार से यह रसखान जी के विषय में यहाँ पर कहा गया है। इनके कुछ सवैया, अब देखिए यहाँ पर इनकी पंक्ति को सवैया कहा जाता है। तो आज हम लोग इनके सवैया के विषय में कुछ पढ़ेंगे। तो रसखान जी की जो पंक्ति है इन्हें हम सवैया के नाम से जानते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मानुष हो तो वही रसखान ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मानुष हो तो वही रसखान ब्रज गोकुल बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजार, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब के डारन। माने यहाँ पर रसखान जी अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य हैं तो वही, यदि अगर रसखान मनुष्य हुए हैं तो वही गोकुल का ग्वाल बनकर के जीना चाहेंगे, गाय चराने वाला ग्वार बनकर के जीना चाहेंगे, और पशु हो तो वही धेनु बनना चाहेंगे जो नंद बाबा के यहाँ चरती हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण चराने के लिए जाते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, ये अगर पत्थर भी बनाया ना तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसको भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। जो खग हो तो बसाओ करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब के डारन, और यदि अगर पक्षी बनूं
तो मैं उसी कदम के वृक्ष में रहना चाहूँगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वहाँ के डाल में बैठते हैं। इतना अलौकिक प्रेम है रसखान जी का, जो आज इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ गोकुल में ही रहना चाहता हूँ और भगवान श्री कृष्ण का ही बन करके रहना चाहता हूँ। और सुंदरता का वर्णन करते हुए रसखान जी कह रहे हैं, कहते हैं या लखटी और कामरिया पे, या लखटी और कांवरिया पे राजत हो पुरको तजी डारो आठो सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबान तड़ाग निहारो कोटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंज कुंजन ऊपर वारो। ये बड़ी सुंदर पंक्ति यहाँ पर जो इसका अर्थ है बड़ा यह प्रेम में विभोर कर देने वाले यह पंक्तियाँ हैं। या लखटी और कांवरिया माने भगवान जो जो मतलब लकड़ी रखे हुए हैं हाथ में, और कांवरिया माने जो कंबल रखे हुए हैं। राजत हों तज पुरको तज डारो माने मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ इस सुंदरता पर भगवान की। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, आठ सिद्धि होती हैं और नव निधि होती है। जैसे भगवान हनुमान चालीसा में कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो ऐसे जो आठ सिद्धि और नव निधि हैं, इन आठ सिद्धि और नव निधि का जो सुख है वह मैं इन गाय चराने से बड़ा सुख नहीं है, वह भगवान श्री कृष्ण की गाय चराने से ज़्यादा सुख नहीं है। मुझे अष्ट सिद्धि नव निधि न चाहिए, मैं भगवान नंद की गाय चराना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं कभी इस आँखों से जो है मैं ब्रज के बनों को और ब्रज के तालाबों को इनको निहारना चाहता हूँ। कौटिक ए कलधौत के धाम, कौटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो माने कितनो सुंदर स्थान क्यों न हो, कोटि कलाओं का बना हुआ महल क्यों न हो, लेकिन मैं करील के वृक्ष के नीचे रह करके सारा समय गुजार देना चाहता हूँ। लेकिन मैं उस महल में नहीं रहना चाहता। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लखटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भावत वो ही मेरा रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। मतलब जो मोर पंख है, मोर पंख जो सिर के ऊपर धारण कर लेंगे और गुंज की माल गले पर पहन लेंगे, ओढ़ पीताम्बर ले लकटी बन, पीताम्बर ओढ़ करके और लकड़ी को ले करके पीताम्बर को ओढ़ करके और लकड़ी को, तो अब यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, मोर का पंख जो है सिर के ऊपर रखेंगे, गुंज की माल धारण करेंगे गले पर, ओढ़ पीताम्बर ओढ़ करके लकड़ी ले करके हाथ में गोधन ग्वारन संग फिरेंगी और ग्वालों के साथ में गायों को लेकर के जाएंगे, भाव तो वो ही मुही रसखान सो, मेरे को तो वही रूप भाता है भगवान का। ये जितने चीज़ें जो बताए हैं ना, यही रूप भगवान का भाता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करेंगे, इस रूप को देखने के लिए आप जो कहेंगे वह हम नाटक करेंगे, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा पर अधरा न धरेंगे। और यह जो मुरली है ना भगवान की, जो मुरलीधर की जो अधर है, और मतलब इस छटा को देखने के लिए हम एक मिनट और इंतजार नहीं, अधरा पर मैंने यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात की, मैंने हम रुक नहीं सकते भगवान की लीलाओं को देखने के लिए, भगवान के इस प्रकार के रूप को देखने के लिए अब और नहीं रुक सकते हम, तो इसी रूप को देखना अधरान
धरी अधरा न धरी, माने भगवान की इस रूप छटा को मुरली धरी हुई अधर को देखने के लिए हम एक भी इस धरा पर माने धरती पर अधरा माने पैर बिल्कुल एक कदम नहीं रुक सकते, एक कदम रख नहीं सकते। इस प्रकार से बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं। और अब अंतिम पंक्ति पढ़ेंगे। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं मोह नितान सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गहे गए हैं तो गए हैं तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनों समझे हैं मायरी वा मुख की मुस्कान संहारी न जय हैं। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कान पर उंगली रख लेंगे जब भगवान बंसी बजाएंगे ना मंद धुन बजाएंगे तो एकदम मन इतना एकाग्रचित कि दूसरा कुछ ना सुनाई दे, एक उंगली रख करके और भगवान की बंसी की आवाज़ को सुनेंगे। मोहन तान सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गए हैं त गए। और कहीं भी चाहे गाय कहीं चली जाए लेकिन इधर भगवान की मोहनी बंसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो चाहे हमको कहीं भी अटा पर छत पर कहीं भी ऊपर चढ़ करके सुनना पड़े तो हम जा करके सुनेंगे। तेरी कहो शिगरे ब्रज लोगनी जितने भी ब्रज के लोग हैं ना कल ही को कितनों समझाई हैं, चाहे ब्रज के लोग कितना हमको समझाएं लेकिन मायरी वा मुख की मुस्कान संभाली उस मुख की मुस्कान को संभालने के लिए न जय हैं माने उस मुस्कान को देखने के लिए भगवान की एक छटा को देखने के लिए एक टक निहारने के लिए वहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊँगा भगवान के पास रहूँगा भगवान की लीलाओं का दर्शन करूँगा। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा सुंदर व्याख्यान रसखान जी ने किया है। और रसखान जी कृष्ण भक्त इतने बड़े कवि हैं, कृष्ण भक्त और कृष्ण इतने बड़े कृष्ण प्रेमी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं, भगवान से ही प्रेम करना चाहते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा ना एक और पंक्ति पर कहते हैं, मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक बड़ी सुंदर कही है कि बात कि चाहे कुछ भी हो जाए। एक अभी हम लोग एक पंक्ति पढ़ रहे थे, एक बड़ी सुंदर पंक्ति थी कि हम इस संसार में सोने चांदी के महल को छोड़ देंगे, सोने चांदी के महल को छोड़ देंगे, करील के कुंजों में अपना जीवन बिता लेंगे, करील के पेड़ के नीचे अपना जीवन बिता लेंगे लेकिन भगवान को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। वह हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कहीं कुछ भी सोने चांदी के महल नहीं चाहिए, मैं तो करील के नीचे ही भगवान के इंतजार में ही रहूंगा। तो इस प्रकार से माने एक भक्त जो है वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, किस लिए? भगवान के प्रेम पर। कुछ भी करना पड़े, कैसा भी स्वांग करना पड़े, रसखान जी कहते हैं लेकिन मैं ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से आज की यह कविता पूर्ण हुई। और आगे अब हम लोग दूसरे पाठ में और भी पढ़ेंगे, दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, आप सभी लोग प्रश्न उत्तर कॉपी पर करते रहें, अब हो सके तो एक एक करके मुझे कॉपी चेक कराने का भी प्रयास करें, क्योंकि आप लोग कॉपी चेक नहीं कराएंगे तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कहाँ तक किए हैं या कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसलिए अब मैं कुछ दिनों में आप लोगों को कॉपी चेक करने के लिए बुलाऊंगा और आप लोग मुझे एक एक करके कॉपी चेक कराएंगे और मैं उसमें जो है आपको उसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें कॉपी में प्रश्न उत्तर होने चाहिए और बाकी प्रश्न उत्तर के अलावा और कुछ नहीं, कविता का भावार्थ भी
आप लोग उसमें लिखेंगे। बाकी इतना ज़रूर याद रखेंगे, जहाँ तक पढ़े हैं उसको पूरा कंप्लीट करके ही मेरे पास आएंगे। और मैं अब एक आध दिन में बुलाने वाला हूँ आप सभी लोगों को, आप आ भी सकते हैं आ करके और दिखा सकते हैं मुझे कॉपी। आज के लिए इतने बच्चों, धन्यवाद।